सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए। दोस्तों कैसे हो आप लोग, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को कॉर्नर में जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर लो, ईमेल आईडी थ्रू लॉग इन जाओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए जो घंटा का आइकन है बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करो। आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से पढ़ाई करना सही है या गलत, या ये हम कह सकते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटीआई करना सही है या गलत। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि मैं प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई कर रहा हूं तो भैया मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मुझे तो पूरी लाइफ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना। ये थॉट बिल्कुल भी गलत है, मीन्स इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, एडेड कॉलेज है, अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, तो आप मतलब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जितना वैल्यू एक गवर्नमेंट से पढ़ाई करने वाले बंदे को मिलेगी उतना ही वैल्यू आपको प्राइवेट कॉलेज से मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो बीटेक के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, क्या प्राइवेट से जो बीटेक कर रहे हैं वो बेकार है, गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं। उसी तरह है कि प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से पढ़ाई आप करोगे तो क्या सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हो, रेलवे में या बीएचईएल, गेलसेल, महारत्न कंपनियां जो है उनमें अप्लाई कर सकते हो? जी यस, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। जरूरत है आपको अच्छे मार्क्स लाने की और अच्छे तरह से पढ़ाई करने की, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की, ये सारी चीजें जरूरत है। ये आपके माइंडसेट से हटा दो कि चलो गवर्नमेंट कॉलेज। और एक मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस फर्स्ट ये दोस्तों फीस की, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं, उनकी फीस 10,000 तक भी होती है आई थिंक, कई ऐसे कॉलेज मैंने देखे हैं ईयरली। जो गवर्नमेंट आईटीआई होती है समझ लो स्कॉलरशिप लेके फ्री में मिलता है, कुछ घर पे ले जाने के लिए भी मिल जाता है। तो ये है मेन डिफरेंस, जो फीस है उसका मेन डिफरेंस है। दूसरा, कुछ कॉलेज हमेशा अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल अच्छा होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं मतलब प्रैक्टिकल अच्छा नहीं करा पाते या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन प्राइवेट कॉलेज अभी बहुत ज़्यादा सुधार मैंने देखा बहुत सारे कॉलेजों में कि वो लोग सुधार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आईटीआई एक ऐसी चीज़ है कि अगर प्रैक्टिकली आपको नहीं आती तो वो चीज़ बेकार ही है, फिर आईटीआई करना ही बेकार है आपका। तो अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सीख रहे हो तो आईटीआई कर रहे हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो या फिर मैकेनिकल में हो या फिर रेफ्रिजरेटर में हो, किसी में भी हो, आप सही से करो। एक चीज और मैं बता दूं, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे फेक आईटीआई कॉलेज भी चलते हैं। फेक आईटीआई कॉलेज से बचना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, फेक कॉलेज कौन कौन से हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बोलते हैं ये लिंक दे रहा हूँ कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा कॉलेज फेक है। उस पर है nctvmis.gov करके एक वेबसाइट का नाम है, उस वेबसाइट को मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस पर होम के बगल में है आईटीआई, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे डिटेल्स जो मांगेंगे फिल करोगे पता चल जाएगा ये प्राइवेट कॉलेज सही है या फेक है। तो आप ये हमेशा ट्राई करो कि मतलब फेक कॉलेज ना पढ़े। मैं तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो भैया अच्छे से जांच परख लो तभी एडमिशन ले जाओ, अगर अच्छे से जांच परख नहीं लिया और एडमिशन ले लिया तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। और समझ लो 2 साल टाइम भी बर्बाद करोगे और पैसा भी बर्बाद करोगे, कुछ सीख भी नहीं पाओगे और बाद में पछतावा होगा, तो हमारे अंदर निगेटिविटी फैलती रहेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भी बात बता ही दूँ आप लोगों के साथ। और अभी मैं जो फोकस कर रहा था कि क्या प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करना सही है या गलत, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपकी रैंक मान लो गवर्नमेंट में नहीं आती, उसे गवर्नमेंट में वैकेंसी अच्छी खासी होती है लेकिन थोड़ा सा एग्जाम जो होता है वो टफ होता है, उसको बहुत सारे लोग क्रैक कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं तो वो प्राइवेट से पढ़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम समझें कि प्राइवेट से पढ़ रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं है और गलत है, और अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैंने ऐसे देखा सरकारी में पढ़ने वाले बंदों की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, प्राइवेट में पढ़ के उससे अच्छी अच्छी नौकरी सरकारी ले लेते हैं। तो ये है डिपेंड अपॉन मेहनत टू मेहनत, कि आप सही से मेहनत करोगे तो सही से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।